बलूचिस्तान में सैलाब ने तबाही की दास्तान छोड़ गया। हलाकतों की तादाद 6 हो गई, 20 अफराद जख्मी। तूफानी बारिशों के बायस हंसते बसते घर चल गए। क्वेटा सराब रोड के करीब कच्चे मकान की छतें गिरने से 3 खवातीन जाबहक। बरसाती रेले से सरियाब मिल के इलाकों में कई कच्चे मकान गिर गए। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मूसलाधार बारिश के बाद सब कुछ उलट पुलट हो गया, जिंदगी मफलूज। परबरानी रोड पर नालियों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया, लोग महसूस। बोलान के इलाके गश्तरी नदी में सैलाबी रेला 5 अफराद को पानी में बहाकर ले गया। रावलपिंडी का नाला लई छलकने को तैयार। कटारियां पर सतह आब 18 फुट तक पहुंच गई। प्री अलर्ट जारी, 20 फुट पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। तर्जुमान कमिश्नर रावलपिंडी का ऐलान। बारिश के बायस भोग कलाखान में एम्बुलेंस फंस गई। अहले इलाका एम्बुलेंस को अपनी मदद आप के तहत बाहर निकालने में मसरूफ। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि खलीज बंगाल से आने वाला मॉनसून सिस्टम सिंध में मौजूद है। कराची में बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज मॉनसून के पहले स्पेल का आगाज धुआंधार न हो सका, अलबत्ता कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश रिपोर्ट हुई है। शहर में गर्मी और हफ्स की शिद्दत में कमी आ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ जल थले। मुल्क भर में लोड शेडिंग नुक्ता उरूज को छूने लगी। तवील और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। कारोबार इंडस्ट्रीज बुरी तरह से मुतासर। लोगों का बिजली की बंदिश में कमी का मुतालिबा। महंगाई ने गरीब से दो वक्त की रोटी भी छीन ली। सब्जियां, गोश्त, फलों की कीमतों को आग लग गई। आवाम की महंगाई में कमी की दुहाई। पहले दिन से गरीब तबके को मुश्किल। माशी हालात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। माशी हालात बेहतर होते ही मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। वजीर आला पंजाब का मुफ्त बिजली फराहमी का ऐलान खुश आइंद करार दे दिया। पार्लियामानी कमेटी बरा कौम सलामती का अजलास आज 3:30 बजे होगा। सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ करेंगे। कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पार्लिमानी कमेटी को कौमी सलामती के मौजूदा मसाइल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। डेरा इस्माइल खान में रत्ता कलाची सब्जी मंडी मोड़ पर नामालूम अफराद की फायरिंग। दो ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद एहलकारों में शौकत और हबीब शामिल हैं। कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज पर खुदकुश हमला केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मुलजिम दाद बख्श को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 16 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 653 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 3.45% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना के 163 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। कोरोना वायरस चीन से नहीं अमरीकी लेबोरेटरी से लीक हुआ। अमरीकी प्रोफेसर जेफी साक्स ने सनसनीखेज इंकशाफात कर डाले। कहा, यकीन से कह सकता हूं कि वायरस अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी लैब में तैयार किया गया।
शहरी नमाज ईद के बाद गले मिलने और मुसाफहा करने से गुरेज करें। नमाज ईद खुले मकामात पर अदा की जाए। नमाज के दौरान खिड़कियां दरवाजे खुले रखे जाएं। एक मकाम पर नमाज की अलग अलग जमातें करवाई जाएं। NCOC की ईद उल-अज़हा की नमाज के लिए खसूसी गाइडलाइंस जारी। मस्जिद के दाखिले मकामात पर सैनिटाइजर की मौजूदगी, 6 फुट का सामाजिक फासला और जाए नमाज साथ लाने की भी हिदायत।